हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, उनको करके देखा था कि कैसे आसानी से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर। तो आज उसी तरह हमारे कुछ चार रिएक्शन और बचती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। आइए उनको भी स्टडी करके ऑर्गेनोलिथियम को भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा जो 2 या 3 वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट करते जाइए। मैं ये टॉपिक लिख चुका हूं और हमें लिखने हैं सिर्फ प्रोडक्ट। तो अगर मैं बात करूंगा पहले रिएक्शन की, जिसके अंदर हमें दिया गया है CH3OCH2Cl क्लोरो मिथाइल इथर। क्या नाम है उसका? क्लोरो मिथाइल इथर। यानी कि अगर मैं एक हैलोजनेटेड इथर के अंदर, ये हैलोजन है, ये इथर का पार्ट था, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, हैलोजनेटेड इथर, क्योंकि इसके अंदर हैलोजन ऐड किया और रिएक्शन कराते हैं CH3Li के साथ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, LiOCl बाहर निकाल दीजिए, LiOCl बाहर गया, ठीक है। Li पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, तो यहाँ पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। CH3 कैसा है? देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दो बाहर निकल गए। CH2 के साथ कौन रुक जाएगा? जाकर CH3 रुक जाएगा। देखिए क्या है, CH3 है, ऑक्सीजन है, CH2 है, ये तो वहीं पर है, CH2 और CH2 क्या बचा? CH3 बचा। यानी कि अगर मैं एक हैलोजनेटेड इथर के अंदर, हैलोजनेटेड इथर के अंदर क्या ऐड करता हूं? RLiBC कंपाउंड ऐड करता हूं, तो मुझे क्या बचेगा? हाई नंबर ऑफ इथर मिलेगा। देखिए यहां पर इथर में 2 कार्बन वाले थे, यहां पर 3 कार्बन वाले इथर होंगे। इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल इथर, क्योंकि CH3CH2 उस तरफ है, इथाइल और अल्फाबेट में ही पहले आता है, ये फिर मिथाइल है, इथाइल मिथाइल इथर, ये बच्चों इसका नाम होगा। यानी कि पहली रिएक्शन में अगर हैलोजनेटेड इथर आपके पास है और उसके अंदर आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिलाते हैं, तो आपको हाई नंबर ऑफ इथर एज एन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सी, LiCl को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए लिथियम पॉजिटिव है, CH3 नेगेटिव है, अब बात आई CH3 और Cl की, इसको सोचो किस पे नेगेटिव आएगा? अरे वाह सर, Cl पे भी नेगेटिव है, Cl पे भी नेगेटिव है, इसको मान के चले ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? Cl है, तो Cl कैसा कैरी करेगा? नेगेटिव चार्ज करेगा। और Cl कैसा करेगा? पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। जोड़ के देखिए कुछ, इसको क्या कुछ करोगे? सिंपल सी है, जल्दी जोड़िए 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 इसको बेटा, जल्दी जोड़िए। एक सेकंड पूछो, एक सेकंड। Cl ज्यादा है, Cl पे नेगेटिव आएगा, Cn भी पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड में सारी कहा जाएगी, ठीक है। अब देखिए LiCl वहां पे कब दिख रहा है? मैं निकाल दीजिए, क्या होता है? CH3 नेगेटिव, Cn पॉजिटिव, ये लीजिए CH3 Cn, यानी साइनाइड कंपाउंड हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा, यानी बोलूंगा मैं इसे इथेन नाइट्राइल, दो कार्बन है इथेन और Cn, के लिए क्या यूज होगा? नाइट्राइल, ठीक है बच्चों, इथेन नाइट्राइल, इसको दिमाग में रखना, ये गलती हो गई थी बच्चों, क्योंकि Cn में जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, स्ट्रक्चर में क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी नाइट्रोजन जाकर नेगेटिव लग रहा था यहाँ पे ना, तो इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज बोला, लेकिन दिमाग में आया कि यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड है ना, नेगेटिव चार्ज यहीं पे रिवॉल्व करता रह जाएगा, उसको जोड़ते ही पड़ेगी चिंता नहीं की, तो Cn पे कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर बच्चों ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओ, LiBr बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बचा? C4H9CH3, यानी कि हाइयर नंबर की क्या मिल जाएगी? एल्केन मिलेगी, जितने यहाँ पर एल्केन ग्रुप है, R ग्रुप को सिंगल उठा के दूसरे R में ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्या रहेगा? प्रोडक्ट आ जाएगा C4H9CH3, 5 कार्बन है और कुछ है 12 हाइड्रोजन है, तो हमारा नाम होगा इसका पेंटेन। अब आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात उसका नाम इसको सुन लीजिए, पहले तरीका बताऊं देखने का, C6H5 फिनाइल जैसा लग रहा है, C6H5 के साथ CH है, तो बेंजर, क्या हुआ बच्चों? ये बेंजर, देखिए C6H5 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड खाली मान लीजिए, यहां पर मान ली मत,
CH3CO CH3 ही बोलते थे इसको, दो हाइड्रोजन हटा दिए, दो बोन्ड लगा दिए, क्या बोलोगे इसको? देखिए एसीटोन है ना, तो बेंजल एसीटोन बोल सकते, ठीक है, बेंजल एसीटोन। अब बेटा इसको ध्यान से समझना, सिंपल रिएक्शन है कार्बोनाइल ग्रुप की, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप बोल सकते हो, कार्बोनाइल भी है अनसैचुरेटेड, 1,2-1,4-1 ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वही रिएक्शन है। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला, कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला, C4H9 में लिथियम पॉजिटिव, C4H9 नेगेटिव, तो खुद ही सोचिए C4H9 कहां पे जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। इसलिए बेंजल एसीटोन नाम समझ में आना चाहिए, C6H5CH डबल बॉन्ड बेंजल होता है। देखिए CH3C डबल बॉन्ड और CH3 ही मानना था एसीटोन है। अब देखिए C6 है, H5 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है दोबारा से, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CH3। यानी कि मैंने एक बार ये वाली कहानी लिख दी ऐसे जैसे C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड और CH3 डबल बॉन्ड तोड़ दिया पॉजिटिव नेगेटिव साथ में। नेगेटिव पे कौन जाएगा? लिथियम जाएगा, भेज दीजिए। कार्बन बचेगा, कार्बन पर किसको जाना है? C4H9 को, ठीक है। उसके बाद आएगा लास्ट स्टेप, जो बार बार आप करते रहे, लिथियम को कैसे बाहर निकालोगे? H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O क्या बाहर निकलेगा? LiOH। लिथियम के साथ कौन ऐड होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा, कर दीजिए। देखिए C6H5 ऐसे कैसे, CH ऐसे कैसे, डबल बॉन्ड CH ऐसे कैसे, कार्बन ऐसे कैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, लिथियम के साथ कौन आया? हाइड्रोजन आया, CH3 आया, और यहाँ पर नीचे क्या है? C4H9। ये बन जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट, देखना सर नीचे C4H9 विजिबल है, ठीक है सर, ठीक है, ये बनेगा बच्चों हमारा प्रोडक्ट। देखिए अब क्या होगा। अब बच्चों सबसे बड़ी बात मुझे बतानी है, यहां पर एडिशन नहीं पर हो चुका है, डबल बॉन्ड पर कोई एडिशन नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर जो एडिशन हुआ है वो हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, और जब ये एडिशन होगा तो क्या बोलते हो? 1,2-1 बोलते हो, क्या बोलते हो? 1,2-1। यानी कि ऑर्गेनो लिथियम हमारा जो कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, इसके साथ अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कैसी एडिशन शो करेगा? 1,2-1 शो करेगा, जबकि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था वो 1,2-1 शो कर रहा था कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, और 1,4-1 शो करता था किसके साथ? ध्यान करो, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड फाइनल प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH, हमारा डबल बॉन्ड सेफ है, तो यहां पर 1,4-1 नहीं होगी। तो मेन पॉइंट आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो 1,2-1 कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, 1,4-1 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ शो करता है, लेकिन ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ 1,2-1 ही शो करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ही कोई भी हमारी 1,4-1 शो नहीं करता, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी कुछ रिएक्शन, हमारा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड पूरा हुआ। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो मैं बहुत जल्द आपको करवा दूंगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, कमेंट कीजिए, उसमें भी आपसे कुछ नहीं जाना है, लिखना हाँ सर समझ में आ गया मुझे पता लग जाता है फिर, हाँ बच्चों ने वीडियो देख लिया है उनको समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी ये तो पता लगे ना, तो मैं यहाँ पर इतना आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दो दोस्तों को कम से कम वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि कितने आसान तरीके से केमिस्ट्री यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है। तब तक बच्चों आप सर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 1,2,3 टेक द स्क्रीन शॉट।